हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम नया चटपटा और कुरकुरा सा नाश्ता, जिसे आप देखेंगे ना तो देखते ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है, तो देर किस बात की, चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम एक कप मैदा लेंगे, बड़े से बाउल में इसे डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच तिल। तो यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल लिए हैं, तिल से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो पानी इसमें हम 1.5 कप डालेंगे। पहले 1 कप डाल लेंगे और फिर मैं 1/2 कप इसमें डालूंगी, ये देखिए। तो 1.5 कप इसमें हम पानी डाले हैं, यानी कि 1 कप मैदा में 1.5 कप पानी डाले हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नाश्ता को क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाला के साथ। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। और इसको मैं उठा कर दिखाती हूँ, ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए घोल हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और गैस पर हम रखेंगे एक तवा या पैन, और इसके ऊपर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें जो घोल बनाए थे 1 चम्मच डाल देंगे, ये देखिए पैन को हल्का गर्म होते ही। और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से, और गैस के फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट लेंगे, यानी कि 1 मिनट में ही इसे पलट लेना है। और ये थोड़ी देर में दोनों साइड अच्छे से सेक जाता है, ये देखिए एक शीट बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपको मैं एक और शीट बनाकर दिखाती हूँ, ये देखिए 1 चम्मच घोल डालेंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। हर बार इसके ऊपर वायर लगाने का ज़रूरत नहीं, एक बार लगा लेंगे तो 2-3 एक साथ बना लेंगे और बहुत ही जल्दी ये शीट बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हम सारे शीट को बना लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही पतला है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक शीट लेंगे और इसको हम बोर्ड पर रख लेंगे, और इसके बाद इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। तो इसे टाइटली रोल करना है, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल टाइट इसे रोल करना है। और अब यहाँ पर लेंगे हम 1 चम्मच मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका हम पेस्ट बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर जो पेस्ट बनाए हैं उसको लगा लेंगे, और इसके बाद इसको हम रोल करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से चिपका दिए हैं, और इसी तरह से बाकी रोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसके किनारे को हम कट करके हटा लेंगे, और इसके बाद इसे हम कट करेंगे, तो इसे हम तिरछा कट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। आपको मैं एक उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें लेयर बना हुआ आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। इसी तरह से हम बाकी सब बनाकर तैयार कर लिए, यानी कि कट करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पर हम तेल गरम होने के लिए पहले से ही रख दिए थे, तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो अब इसमें हम जो नाश्ता अभी बनाए थे, यानी कि जो रोल अभी कट किए थे, उसे हम एक एक करके सावधानी से तेल में डाल देंगे, जितना एक बार में आ सकता है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ी देर के बाद हम पलट लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके सबको पलट लेना है, और दोनों साइड इसे क्रिस्पी होने तक, यानी कि गोल्डन कलर होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन हो गया है। तो इसे हम एक स्टेनर में निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसमें तिल और कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है, देखने में भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी किस चीज के साथ खाना आप पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।